अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज़ मरवा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ KFC स्टाइल चिकन टेंडर्स, या फिर आप लोग इसको जिंगर स्ट्रिप्स भी कह सकते हैं। बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी आज की ये रेसिपी। टोटली डिफरेंट है, इंग्रेडिएंट्स भी डिफरेंट है, प्रोसीजर भी डिफरेंट है, तो वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। तो टाइम को ज़ाया नहीं करना, फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 कप बटर मिल्क। तो अब बटर मिल्क बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि 1 कप लिया है दूध। इसके अंदर मैं क्या करूँगी, ऐड करूँगी लेमन जूस, फ्रेश लेमन जूस मैंने लिया है। लेमन जूस ना हो तो आप लोग इसके अंदर 1 टेबलस्पून सिरका भी ऐड कर सकते हैं। इसको हल्का सा आप लोग स्टर करें, और स्टर करने के बाद आप लोग इसको छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद जब आप देखेंगे कि दूध हल्का सा कर्डल सा होना शुरू हो गया, उसके पार्टिकल्स आपको नज़र आना शुरू हो गए, तो दैट इज़ योर बटर मिल्क। रेसिपी की रिक्वायरमेंट थी बटर मिल्क, तो बटर मिल्क हम लोगों ने बना लिया है। और बाहर के कंट्रीज़ में तो मिल जाता है बना बनाया, लेकिन होममेड इस तरह से बनाया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे बटर मिल्क के अंदर हमें ऐड करनी है हॉट सॉस। मेरी एक्स्ट्रा हॉट है, वो मैंने यूज़ की है। आप लोगों के पास घर में जो मौजूद हो, आप लोग चिली सॉस वगैरह, केचप या चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस नहीं ऐड करना, जो चिली सॉस होता है ना, सिराशा या फिर एक्स्ट्रा हॉट वाला जिस तरह से मैं यूज़ करती हूँ, वो डालना है। फिर इसके अंदर आप लोगों ने ऐड करना है सॉल्ट, ओरिगानो, वाइट पेपर एंड ब्लैक पेपर, ये इसके अंदर आप लोगों ने ऐड करना है। और ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप लोगों को अभी से लग रहा होगा कि रेसिपी डिफरेंट है, वाकई में डिफरेंट है, यूनिक रेसिपी है। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर क्या ऐड किया है, अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चिकन टेंडर्स। चिकन टेंडर्स बड़े बड़े जो फिले के पीस थे, उसको मैंने बड़ा बड़ा लंबाई में काट लिया था, वो मैं अब चिकन टेंडर्स इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और इसको मैं मैरिनेट कर लूँगी से अबाउट 30 मिनट्स, हाफ एन आवर, ठीक है। तो इसको हाफ एन आवर के लिए अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है, हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो बाकी की तैयारी हमारी ये है कि हमें कोटिंग तैयार करनी है, तो जिसके लिए मैंने एक बाउल में ऐड किया है 2 कप मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और अब कुछ चीज़ें मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ, जिसके लिए मुझे चाहिए होगा नमक। नमक के साथ साथ इसमें मैंने ऐड किया है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इज़ अ मैजिकल इंग्रेडिएंट हियर, सो मेक श्योर कि आप लोग बेकिंग पाउडर बिल्कुल भी स्किप ना करें, और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अभी और भी मुझे चीज़ें ऐड करनी हैं कोटिंग में, तो आप लोग देखते जाएँ कि मैं क्या ऐड करती हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ और मज़ेदार से स्पाइसेस, यूनिक स्पाइसेस, डिफरेंट सीक्रेट KFC स्पाइसेस मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, जिसमें है कुछ इस तरह से स्पाइसेस, जिसमें है पेपरिका, एंड इसमें जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्चों का पाउडर, लहसुन का पाउडर, अनियन का पाउडर, इसमें जाएगा ओरिगैनो, रोजमेरी, मर्जरम एंड थाइम, और इन दी एंड इसमें जाएगा चिकन पाउडर। ये ओरिगैनो, रोजमेरी, मर्जरम और थाइम ये आपको इजीली मिल जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, पाकिस्तान में सब कुछ अवेलेबल है, इजीली हर ग्रॉसरी स्टोर पर मिल जाता है। अच्छा, उन स्पाइसिस को मुझे हल्का सा ग्राइंड कर दिया। ग्राइंड करने से क्या होगा कि कोटिंग में ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। ये मैंने कोटिंग के अंदर डाल दिए। ग्राइंड करना बहुत ज़रूरी है, ग्राइंड करेंगे तो ही कोटिंग में जो है ना वो बात आएगी। तो ये मैंने ड्राई स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर दिए, और इसको मैं अब अच्छी तरह से विस्क की मदद से मिक्स कर रही हूँ। तो कोटिंग भी हमारी हो चुकी बिल्कुल तैयार। अब यहाँ पे क्या, मैंने पूरा सेटअप यहाँ पे लगा लिया है, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। यहाँ पे मैरिनेटेड चिकन है, 2 अंडे लिए थे, उनको मैंने हल्का सा बीट कर लिया, कोटिंग है, और एक बेकिंग शीट ली थी, उस पर मैंने इस तरह से ब्राउन पेपर लगा लिया है। अब क्या करना है कि आप लोगों को एक एक चिकन टेंडर उठाना है, उसको फर्स्टली आप लोगों ने कोट करना है अपनी कोटिंग में जो कि हम लोगों ने तैयार की थी। कोटिंग में इसको हल्का सा कोट करना है हम लोगों ने, इस तरह से पूरी, अभी यहाँ पर हम लोगों ने इसको कोटिंग नहीं करनी, बस एक दफ़ा इस तरह से कोट करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इसको अंडे में डिप करेंगे। अंडे में अच्छी तरह से जब आप लोग इसको कोट करेंगे, तो उसके बाद आप इसकी फाइनल कोटिंग करेंगे। जब आप लोगों ने फर्स्ट कोटिंग कर ली, तो अच्छी तरह से शेक करके, झाड़ के, उसको दोबारा आप लोगों ने बीटन एग में कोट किया। अब फाइनली अब मैं इसको ऐड कर रही हूँ ड्राई कोटिंग में दोबारा।
कोटिंग में डालने के बाद उसको उसको प्रेस करना है, दुबाना है, अच्छे से दुबाना है इसको, एक दो मिनट के लिए दुबाना है, और फिर इसको शेक ऑफ करना है डाउनवर्ड, यानी कि नीचे वाली नीचे की साइड पे आप लोग उसको शेक ऑफ करेंगे, तो सारे वो जो बन जाती है ना कोटिंग, जिस तरह एक बहुत ही KFC की प्यारी सी कोटिंग होती है, उस तरह से बन जाती है। मुझसे यहाँ पर मिस्टेक हुई कि मुझे वो कोटिंग वाला बाउल इस तरफ रख लेना चाहिए था, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाती कि मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन चलें कोई बात नहीं, मैं फिर दोबारा आप लोगों के लिए इस तरह की कोटिंग की जो रेसिपी है आप लोगों को दिखा दूंगी क्लियरली। तो इस तरह मैं इसको कोट करती जा रही हूँ और बेकिंग शीट पे इसको रखती जा रही हूँ। मेक श्योर जब आप बेकिंग शीट पे इसको रखें तो कोई भी पीस एक दूसरे से टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस तरह से मैं सारी जो चिकन की टेंडर्स हैं उनको कोट कर लूँगी। अगेन सॉरी, मुझे थोड़ा सा क्लियरली आप लोगों को कैमरा में दिखाना चाहिए था, लेकिन चलें कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको किसी और वीडियो में ज़रूर दिखा दूँगी ये प्रोसेस। तो अच्छी तरह से अंडे में कोट किया, अंडे में कोट करने के बाद फाइनल कोटिंग में आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है और इसकी प्यारी सी वही जो है ना कोटिंग आ जाएगी, क्रिस्पी सी, क्रंची सी। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोग माशाल्लाह से सारे एक्सपर्ट हैं, आप सब लोगों को पता है ये कैसे बनाना है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस तरह से दुबा के प्रेस कर करके आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से कोट करना है, और फिर इसको आपने शेक ऑफ कर देना है डाउनवर्ड, यानी कि नीचे की तरफ। इस तरह से शेक करेंगे ना तो वो कोटिंग बन जाएगी, जिस तरह से KFC की होती है। इस तरह से आप लोगों को सारे तैयार कर लेने हैं और बेकिंग शीट पर इसको लाइन अप करते जाना है। बेकिंग शीट पे अगर आप लोग लाइनअप नहीं करें तो इसको प्लेट पे कर लें। तो इस तरह से सारे आपके जो हैं ज़बरदस्त से, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसके ऊपर कोटिंग आ चुकी है और ये कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं, सेम लाइक KFC, ठीक है। तो इस तरह से मैंने सारे जो है ना अब वो मैं तैयार कर लूँगी। अब यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने सारे चिकन टेंडर्स को कोटिंग करके यहाँ पे रख लिया है ना, बिल्कुल वही सेम कोटिंग इसकी आप लोगों का। अभी तो ये फ्राई भी नहीं हुआ, फिर भी इसकी कोटिंग आप लोग देखें कितनी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। इस तरह से मैंने सारे चिकन टेंडर्स को कोटिंग करके मैंने इनको बेकिंग शीट पर रख लिया है। अब आपको सिंपली इन सारे चिकन टेंडर्स को डीप फ्राई करना है। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है, ऑयल आपका ना इतना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ही ठंडा होना चाहिए। गर्म होगा तो जल जाएगा, ठंडा होगा तो वो कोटिंग सारी जो है वो उतर सी जाएगी, तो वो बात नहीं आएगी। तो ऑयल का टेम्परेचर बहुत ही जो है ना प्रिसाइज होना चाहिए। यहाँ पे मैं सारे चिकन टेंडर्स को फ्राई कर रही हूँ, डीप फ्राई कर रही हूँ, और इन्हें पेपर टॉवल पे मैं निकालती जा रही हूँ। एंड दैट्स इट, आपके चिकन टेंडर्स बिल्कुल हो गए तैयार। आप साथ में फ्राइज सर्व कर सकते हैं, कोल्सला सर्व कर सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक, एनीथिंग यू वांट। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ही ज़बरदस्त कोटिंग इस पर आई है, बहुत ही मज़े के बनते हैं, अंदर से जूसी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये चिकन टेंडर्स बनते हैं। है ना यूनिक सी रेसिपी, डिफरेंट सी रेसिपी। तो आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा। जब आप बना रहे होंगे इसकी खुशबू से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितने मज़ेदार हैं। एंड लेट्स ट्राई वन फॉर यू गाइस। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची बने हैं, अंदर से चिकन जूसी है, ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं किया, और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं, इसके लिए ढेर सारा थैंक यू। फिर मिलूंगी आप लोगों से, तब तक के लिए आप लोगों ने रखना है अपना ढेर सारा ख्याल, दुआओं में रखना है यार। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।